नमस्ते इंडिया। जब आप स्माइल देते हो तो आपकी स्माइल को खूबसूरत कौन बनाता है? आपके दांत। जाहिर सी बात है कि आपके मोतीदार दांत जो है वो आपकी स्माइल को और भी खूबसूरत बनाता है। इसलिए ओरल हेल्थ का यानी कि मुंह की हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है। दांतों को संभाल कर रखना बड़ा ही ज़रूरी है, मगर कुछ लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और उनके दांत में से खून निकलने लग जाता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दर्द होने लग जाता है। ऐसे में अगर आपके दांत में भी तेज़ दर्द होने लग गया है तो आप एक फल है जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके इस दर्द से राहत पा सकते हो। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो कौन सा फल है जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल आपको करना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह के और हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। हाँ जी, तो ये जो फल है जिसकी पत्तियाँ का इस्तेमाल करके आप अपने दांत से, दांत के दर्द से आप राहत पा सकते हो, वो अमरूद है यानी कि गुआवा। इस अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करके आप अपने दांत के दर्द से आप राहत पा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको मसूड़ों में सूजन भी हो गई है तभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दांतों में से खून आना, दांत में से तेज़ दर्द है, वो सारी चीज़ों पर आप अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करके इस दर्द से राहत पा सकते हो। अभी आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप अमरूद की पत्तियों को फ्रेश पीस कर आप अपने दांतों पर लगा सकते हो, या तो फिर अमरूद के अर्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका ये है कि आप लौंग और अमरूद की पत्तियों को फ्रेश पीस कर उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालकर अपने दांतों पर रख सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द में राहत मिल सकती है। आपको रिज़ल्ट जो है वो एक दो बारी लगाने पर ही आपको नज़र आने लग जाता है। इसके लिए आपको कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर आपको बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी घरेलू नुस्खे आपको फ़ायदे नहीं दे रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अपने डेंटिस्ट से अपने दांतों का चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि घरेलू नुस्खे पूरी तरह से रेकमेंडेड नहीं होते हैं कि उससे आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा आपको अमरूद की पत्तियों से तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, मगर इसके साथ साथ आपको थोड़े बहुत काम और भी करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिन में 2 से 3 बार ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करना है, यानी कि अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल अपने दांतों पर ज़रूर करना है। जैसे कि हमने बोला कि आप सीधा इसकी पत्तियों को पीस कर लगा सकते हो, उसके अर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर लौंग, अमरूद की पत्तियाँ और थोड़ा सा नमक भी अपने दांत पे आप रख सकते हो। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके मुंह में से जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो ख़तरनाक जो बैक्टीरिया आपके मुंह में आ गए हैं जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, वो बैक्टीरिया को मार देता है और आपकी ओरल हेल्थ को बनाए रखता है। ठीक है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको दिन में जब आप सुबह में उठते हो, ब्रश करते हो, तो आपको नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे ज़रूर करने हैं। ये जब आप करोगे तो आपको दांतों में तुरंत राहत मिलेगी और ये बहुत ही अच्छा बढ़िया ओरल हाइजीन को बनाए रखने का नुस्खा है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आपने एटलीस्ट दिन में 2 बार नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे आपको ज़रूर करना है। ये करते वक्त आपको ये भी ध्यान में देना है कि आप पानी वो निकल ना लो, वरना आपको नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप जब भी नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करते हो तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि वो पानी आपके अंदर ना चला जाए। इसके अलावा अगर आपको मसूड़ों में सूजन हो गई है तो आप बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हो, यानी कि आइस पैक से आप सिकाई भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, कपड़े में बर्फ़ के टुकड़े ले लीजिए और बस अपने मसूड़ों पर बाहरी तौर पर आप बर्फ़ लगाते जाइए। सीधा बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो आपको कपड़े की मदद से आपको या तो फिर आइस पैक ले लिया, इससे आपको सिकाई करनी है। ठीक है, ये भी आपको बार बार करते रहना है। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा की मदद से भी अपने दांतों से राहत पा सकते हो, दर्द में राहत पा सकते हो। जैसे कि आप जो भी नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करते हो, सुबह में ब्रश करते हो,
तो उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपको डाल देना है। बस इसके साथ ब्रश कर लीजिए, आपके दांतों के दर्द से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि दांतों में दर्द किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और मेरी चैनल को फॉलो करते ज़रूर जाना है, क्योंकि आपको इसी तरह की अमेजिंग हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहेगी जब आप मेरी चैनल से जुड़े रहोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।